दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी 2020 के कट ऑफ की, जो कि काफी बहुत सारे मैसेजेस आए थे। कुछ लोगों के 92 हैं, 94 हैं, उस पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के 85 हैं, उस पर सिलेक्शन हो गया है। तो इसमें हम बात करेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, उसको आप लोग जरूर शेयर करिएगा। जिन लोगों का सीडीपीओ में हुआ है, चयनित अभ्यर्थी हैं और उनकी योग्यता नहीं, इस पर आयोग से मैंने कुछ लोगों को आयोग में भेजा था, उस पर हम लोग बात करेंगे, जो आयोग के स्टेटमेंट हैं और उसको आपको क्या करना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों के बीच ये वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों। मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी हमारे अनअकैडमी टीम द्वारा कराई जा रही है, इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, लाइव क्लास भी, और बहुत ही कम पैसे में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है। तो दोस्तों कुछ सूचना है, देख लेते हैं हम। तो यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों, ये निबंध की 41 महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जो लोग भी यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो लोग इससे जुड़ सकते हैं, और ये अलग से फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फीस ही है जिसमें आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, मुख्य परीक्षा की लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, मेरे हमारे साथ टॉप एजुकेटर हैं उनके साथ। और केवल आप निबंध की अगर लेना चाहते हैं तो आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर के निबंध की क्लास कर सकते हैं। साथ में हम आरओ यारो के जो बैचेस चल रहे हैं, जो लोग लास्ट टाइम पे एसए का काम करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों किसी भी अधिक जानकारी के लिए 8802913517 पे व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ में बीईओ की जो क्लासेस चल रही हैं, नोट्स और पीडीएफ जो है एसए के लिए, हिंदी के लिए और जनरल स्टडीज के लिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी एकमात्र फीस है। जो लोग भी मुख्य परीक्षा 2020 क्वालिफाई किए हैं उनको यहां पर लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, ₹3500 इसकी मात्र फीस है, और इसमें 10 टेस्ट मिलेंगे जिसका इवेल्यूएशन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। सारे टीचर लाइव इवेल्यूएशन मैं करता हूं, मेरे प्रोफाइल पे चले जाइए आप लोग। अभी एसए का इवेल्यूएशन चल रहा है, एसए की जो है आप लिख करके, कोई भी, ये फ्री है, निःशुल्क है, स्पेशल क्लासेस में अपना एसए मुझे लिख करके 8802913517 पे आप भेज दें, और मैं इसकी कॉपी जो है आपको 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, ये फ्री लाइव क्लास होती है, इसमें 7 से 8 लोगों की कॉपी चेक की जा रही है लगातार 5 दिन तक। दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, सभी के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे यहाँ फाउंडेशन बैचेज चलते हैं, यूपीएसआई के लिए फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं जो जानकारी जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये चीजें जो है आप शेयर जरूर करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि सीडीपीओ में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, उसमें सोशियोलॉजी, होम साइंस और इक्विवेलेंट का जो लिखा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जीक्यूटिव में हुआ है, ठीक है, पहले ध्यान से सुनिएगा, एग्जीक्यूटिव में हुआ है, उनका सोशियोलॉजी है, और मेरे ख्याल से सोशियोलॉजी वाली मेरिट जो है एग्जीक्यूटिव से कम जानी चाहिए, कम जानी चाहिए। और एग्जीक्यूटिव में हुआ है और आपका सीडीपीओ में नहीं हुआ तो भी आप क्या करेंगे, वो सेम काम है। जो जिनका बीएससी है, एमएससी है साइंस से, आप बीएससी एमएससी हैं, एक्सेप्ट जो है आप होम साइंस, अगर आप बीएससी हैं एमएससी हैं तो आपका रिजल्ट सीडीपीओ में दिखा रहा होगा और एग्जीक्यूटिव में नहीं दिखा रहा होगा, जबकि आपके भी अंक जो है एग्जीक्यूटिव के बराबर है। हम अभी बात करेंगे कि मेरिट कितनी गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ज्यादा मेरिट है, तो एग्जीक्यूटिव में आपका रिजल्ट शो कर रहा है, सोशियोलॉजी में नहीं शो कर रहा है, सीडीपीओ में नहीं शो कर रहा है, सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो आप जो है एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं अभी बता दे रहा हूं। और जिन लोगों का बीएससी एमएससी है और जिनका सीडीपीओ में शो कर रहा है, वो भी एक एप्लीकेशन सचिव के नाम लिखेंगे। दोस्तों ये आयोग में मैंने कुछ स्टूडेंट भेजे थे, उन्होंने वहां पता किया है, तो उन्होंने कहा कि कई लोगों की कंप्लेन है, रिजल्ट में कुछ जो है गड़बड़ी है, जो गड़बड़ी है वो सीडीपीओ वाले जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसको जो है सुधार किया जा सकता है। आप जो है सचिव के नाम सेवा में, सचिव, जो भी आप लोग जो भी फॉर्मेट देख रहे हैं, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, आज ही अभी जो है एक पत्र लिख दें और कल जो है उत्तर प्रदेश प्रयागराज,
महोदय, सविनय निवेदन है कि, यहां से आप लोग सभी लोग लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, मेरा रोल नंबर ये, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, और मेरी जो योग्यता है, योग्यता लिख दीजिएगा, योग्यता जो है वो बीएससी है, होम साइंस के अलावा बीएससी जो है, आप मैथ से हैं, बायो से हैं, किसी से भी से हैं, और मेरा रिजल्ट जो है सीडीपीओ में शो कर रहा है, दिखा रहा है, जिसके लिए मैंने नो का ऑप्शन किया था। ये भी बहुत सारे लोगों का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आया है कि उन्होंने फॉर्म में नो भरा है, फिर भी उनको उस रिजल्ट में कैसे दिखा रहा है, और मेरे अंक जो है एग्जीक्यूटिव के बराबर है या एग्जीक्यूटिव में संभावना है मेरे चयन की। तो ये आप इस तरीके से एक फॉर्मेट करके अपना नाम, रोल नंबर और पता के साथ जो है कल जो है पोस्ट सभी लोग कर देंगे, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करिए। जिन लोग भी परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो है मेरे पास मैसेज कर चुके हैं, लगभग 30-35 जो है व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि जिनके साथ ये समस्याएं हो रही हैं। अब रही बात कट ऑफ की, तो मैंने जो कट ऑफ आपको पहले ही बताया था, अब किसी का 95 है, 90 है, तो वो नहीं हुआ है, तो इसमें 6 से 7 प्रश्नों पे कुछ विवाद है, जो भी है विवादों को हटाने के बाद। अभी देखिए आंसर की तो आती नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है जो मेरे स्टूडेंट हैं उन लोगों का हुआ है सिलेक्शन, तो वो 85 से 88 के बीच में है मेरिट। आप एक देख लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं है मेरिट। कुछ लोग बोल रहे हैं 91-92 मेरिट गई है, लेकिन 85 से 88 के बीच है। जिन लोग 92-94 है, हो सकता है उनके नंबर कम हो गए हों, तो 88 मैक्सिमम जहां तक मुझे लग रहा है, मिनिमम 85 है। क्योंकि अब गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स जो है 82 के आसपास गई है मेरिट, 82 क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि इस पे 82 पे भी लोगों का हुआ है। ओबीसी भी 85 के आसपास गई है, 85-86, क्योंकि ओबीसी में भी कई लोगों का जो है 84 पे 85 पे हुआ है। इसका मतलब है कि 85 के आसपास जो ओबीसी और जनरल की जो है 88 के मैक्सिमम 88 गई है। एससी की मेरिट मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 78 पे भी हुआ है और उससे कम पे भी हुआ है, और अब ये समझ में नहीं आ रहा है किसका क्या है, लेकिन मेरिट जो है आसपास जो है 80 के आसपास जो है एससी की होनी चाहिए। हाँ, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग देखिए नेगेटिव कमेंट मत करिएगा प्लीज, अगर आपको सार्थक बात करनी है तो करिएगा। मेरिट इसके बहुत ज्यादा नहीं गए, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मेरिट 100 गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो पहले भी बता रहे थे, जो स्कोर वही स्कोर बताए। हाँ, कुछ प्रश्न बदले हैं, तो उन प्रश्नों को लेकर के कोई, अगर किसी को व्यक्तिगत कोई भी समस्या है फॉर्म को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के, मुख्य परीक्षा की तैयारी करके, नोट्स को लेकर के, देखिए मेरी दोस्तों मैराथन वीडियो है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ऐड करता हूं, भाई इतने कंटेंट मेरे पास है, आप इसी चैनल पे इतने कंटेंट हैं कि उसको पढ़ के आप पूरी तरीके से सिलेक्ट हो सकते हो। मैराथन वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, उसके नोट्स भी अवेलेबल मैं करा दूंगा, और उसमें 4 वीडियोस हैं 3-3 घंटे के, वो हमेशा काम करेंगे, हर मुख्य परीक्षा में आपको काम करेंगे। आर्ट ऑफ एसे राइटिंग है, और मास्टर एसे राइटिंग इज धनंजय सर करके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आप जो है 23 एसे पा जाएंगे। टोटल 88 एसे हम लोग करा रहे हैं इस समय, इसके लिए आप हमें 8802913517 पे व्हाट्सएप करिए। देखिए कमेंट करना है तो आप जो है सौम्यता से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उल्टे सीधे कमेंट नहीं करेंगे आप, आपसे ये मैं उम्मीद रखता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, कोई भी और इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।